टनकपुर से बागेश्वर तक रेल लाइन का निर्माण करने की मांग को लेकर संघर्ष समिति ने तहसील मुख्यालय में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति की अध्यक्ष नीमा दभौटी ने कहा कि रेल लाइन निर्माण की मांग को लेकर बीते कई सालों से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। सामरिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस रेल परियोजना के पूर्ण होने से पहाड़ की जनता को काफी लाभ होगा। रेल मार्ग का निर्माण करो, टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग का निर्माण करो, निर्माण करो। नवयुवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर पदासीन हुए हैं। हमें गर्व है कि कुमाऊं की तरफ से वो हमारा नेतृत्व करेंगे पूरे उत्तराखंड राज्य का। मैंने उन मीडिया के माध्यम से उनके बयान भी सुने हैं कि वो टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग के लिए ब्रॉडगेज सर्वे कराएंगे। तो मित्रों, सर्वे काफ़ी समय से होते जा रही है, लेकिन निर्माण कार्य भारत सरकार के द्वारा अभी शुरू नहीं किया गया है, जबकि 2011-12 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में भी शामिल कर दिया गया था, वो भी नहीं हो पाया है। उसके कागज भी हमारे पास हैं, सारे अभिलेख हमारे पास हैं, और 5 बार दिल्ली जंतर मंतर में जाकर के हमारी संघर्ष समिति के द्वारा आमरण अनशन भी किया, कर्मी अनशन भी किया, धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया, उसके बावजूद भी भारत सरकार की कानों में जों तक नहीं रहेगी। खुले दिल से, खुले मन से चेतावनी देते हैं कि बागेश्वर जनपद या हमारे कुमाऊं की धरती से जो भी आग उगलेगी उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, हम बृहद आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग काफ़ी लंबे समय से हमारा ये आंदोलन चल रहा है, हमारी मांग है। इसमें अभी तक हमारे जितने भी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, सभी ने हमारे यहाँ पर सिर्फ सर्वे तक ही सीमित रखा है इसको। इससे आगे किसी ने भी अभी बात नहीं रखी है। 2004 से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार धरने पर भी हैं, क्रमिक अनशन भी हमने कर चुके हैं, और यहाँ से दिल्ली पीयूष गोयल जी से भी हम मिल चुके हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया सर्वे के लिए, लेकिन हमें इतने सालों से हमें बजट नहीं मिल पा रहा है। इसमें उत्तराखंड की क्या कमी है? उत्तराखंड में बागेश्वर और टनकपुर रेल मार्ग जो हमने यहाँ पर हमने ये मांग रखी है, इसको क्यों नहीं सुना जा रहा है अभी तक? कैसे कैसे काम हो गए हैं, कितने लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं प्रधानमंत्री अपने अपने नए क्षेत्रों में, बाहर के क्षेत्रों में, लेकिन उत्तराखंड में ये हमारा आज तक ये क्यों, क्या कमी रह गई है कि इतने लंबे समय तक हमें आंदोलन करना पड़ा है? बहुत ही खेदजनक बात है, इतना लंबा समय आज हमको 16-17 साल बीत चुका है आंदोलन करते करते, और यहाँ से हम हमेशा जो भी करना है पूरे नियम से और शांत तरीके से हमने अभी तक आंदोलन कर रखा है, लेकिन हमारी मांग नहीं सुनी जा रही है। क्यों प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को आज कितने 7-8 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री बनते हुए, हमारी बात अभी तक क्यों नहीं सुनी गई है और क्यों नहीं यहाँ को देखा गया है? मैं बहुत दूर चौकोड़ी से यहाँ आया हूँ और तन मन धन से मैं इस रेल समिति से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी दो बातें हैं केवल, मैं टाइम नहीं लूँगा। एक बात तो यह है कि जो सत्ता पर जाते हैं वो पद के लोभी होते हैं, वो हमको ठग देते हैं दिल्ली ले जा करके। इसमें कुशारी जी ने हमको ठगाया और भंडारी जी ने हमको ठगाया कि रेल मंत्री से हम मिले और हमारे प्रतिनिधियों को नहीं मिलने दिया। एक बात, हम यहाँ मच्छर खाए एक रात यहाँ बैठे भूख हड़ताल में, तो हमारा परिश्रम बेकार गया। दूसरी बात, जो सत्ता पर आना चाहते हैं उनके पेट में एक दाढ़ी है कि भैया हमको सत्ता पर लाओ, हम रेल देंगे। अरे हम कब तक, 100 साल बीत गए ब्रिटिश टाइम में, अंग्रेजों को, अंग्रेज होते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ रेल की लाइनें बिछी होती। अंग्रेज शर्म करो, हमारे देश में बनारस उनका मैं मानता हूँ कर्मस्थली है प्रधानमंत्री जी का, मैं उनकी गुणगाथा, मैं उनका बड़ा भक्त हूँ प्रधानमंत्री जी का, लेकिन बनारस उनका केवल कार्य क्षेत्र नहीं है, पूरा हिंदुस्तान उनका कार्य क्षेत्र है, उनको ये देखना चाहिए। हमारे धामी जी बहुत सुंदर, देखने के बड़े सुंदर मुख्यमंत्री मिले हैं आजकल हमको, युवा बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत कर्मठ हैं। अगर वो हमको 20 बजट में देते हैं तो ठीक है, नहीं तो ढोल नगाड़ा गर्जा करके हम वहीं बैठेंगे जहाँ किसान लोग बैठे हैं, उनको बैठने दिया जाता, हमें क्यों नहीं बैठने दिया जाता? हमको दूसरे देश जेल क्यों डाला जाता? क्या हम इस देश के कोई नागरिक नहीं है? ये यहाँ पर हर घर का आदमी सिपाही है,
कारगिल युद्ध हो, कोई युद्ध हो, हमारे भाइयों ने हमारे बेटों ने आहुति दी है और हमारे आंगन में उनकी लाश दिखा दी जाती है और उनको कई लाख रुपया दे दिया जाता है, पूरे उत्तराखंड को ठगा जाता है। वो सिपाही घर आते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे वो सिपाही कभी इस टनकपुर रेल लाइन से बागेश्वर जल्दी घर पहुँचे। देखिए, ब्रिटिश शासन काल से ही लगातार बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग संघर्ष की आवाज़ उठती आई है और कई बार इसमें सर्वे भी हुए हैं, लेकिन आज तक पॉजिटिव परिणाम बिल्कुल भी नहीं आए हैं। और बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग हम सब के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो या लोगों के सुगम आवागमन के लिए हो, हम सब के लिए बहुत ही, या बेरोजगारी पलायन को रोकने के लिए मेन साबित होगा। और जैसा कि जितने भी हिली एरिया हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर हो या तमिलनाडु में नीलगिरी के पर्वत हो, वेस्ट बंगाल के पहाड़ी इलाके हो, हर जगह रेल जा सकती है, तो बागेश्वर में क्यों नहीं आ सकती है। और इस बीच हमारे नए युवा मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने लगातार कई बार चर्चा कर रखी है पत्र मीडिया अखबार पेपर के माध्यम से हम सुन रहे हैं, और हमें उनसे उम्मीद जगी हुई है कि उन्होंने कहा है कि हम ब्रॉडगेज सर्वे कराएंगे। और हमारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ये एक चुनावी इस्तीफा न होके अमल में लाया जाना चाहिए, इसके लिए टोकन मनी की अवमुक्त करानी चाहिए। और हमारे रेल संघर्ष समिति, हमारे जो अध्यक्ष हैं नीमा दफोटी जी, उनके नेतृत्व में तब तक संघर्ष करेगी जब तक कि बागेश्वर में रेल मार्ग का निर्माण न हो जाए। और मेरा आम जनता से निवेदन है, ये एक गैर राजनीतिक मंच है, इन सब हम सब लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए, और जब रेल यहाँ आएगी हम सबको इसका फायदा मिलेगा। डीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।